तो हे गाइस, हमने पिछली वाली ब्लॉग में ये ट्राइपॉड गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगाया था, आज आ गई है और आज अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने इसकी रिव्यू देखा था तो उनका कहना था कि भाई आपकी जो ब्लॉग है वो स्टेबल हो जाएगी और वाइड एंगल हो जाएगी गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज करने से। तो आज हम चेक करेंगे सारी चीज़, और इसके साथ हाँ एक रिमोट भी आया तो वो उसकी भी टेस्टिंग करेंगे और क्या सही है पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो वैसे कर लेते फटाक से अनबॉक्सिंग। वैसे अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और चेक करते हैं कि कैसे हमारी गोरिल्ला ट्राइपॉड है और क्या क्वालिटी है, सब कुछ चेक करेंगे। फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है इस पर और ये देखो गाइस, ये है फ़ोन होल्डर और ये मेरे भाई ने जब खोला था तो इसका रैपर पन्नी उन्नी जो इस पर पैक था वो फेंक फूक दिया, तो मैंने ऐसे ही रख दिया और आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। लेकिन इसका ही पन्नी फेंक दिया उसने, बाकी सब ठीक है वैसे ही। तो ये है फ़ोन होल्डर और ऐसा इसका क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है और इतना कुछ ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, काम चल जाएगा और फ़ोन आपका है ना वो गिरने नहीं देगा। अच्छी है क्वालिटी, लगभग 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं हम इसको। पर हटा देते हैं और चेक करते हैं कि अपनी गोरिल्ला ट्राइपॉड कैसी है, कैसी इसकी क्वालिटी है। तो ये है अपनी गोरिल्ला ट्राइपॉड और अभी रखते हैं हम इसको साइड में। और इसके साथ जो हमें एक रिमोट मिला है फ्री में, ये देख लेते हैं। तो गाइस ये है इसकी रिमोट और ये जो सोलो बंदा मेहनत करते हैं भाई, बार बार कैमरे पे जाके उंगली लगाना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी सही है। इसको भी हम यूज करेंगे, बाकी पीछे में इसके एक बैटरी लगा हुआ है, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी बैटरी इसकी। तो गाइस इस तरह की बैटरी है ये, ऐसा कुछ तो ऐसे बस हो। जहाँ कैमरा iOS और नीचे एंड्रॉयड है, तो ये एंड्रॉयड हो iOS और कैमरा के लिए होगा बटन, और ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए होगा। तो और यहाँ पे एक बटन दे रखा है तो इसको भी ऑन करते हैं। हाँ ये ऑन हो गया और इसको हम करेंगे चेक लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी रखते हैं हम इधर। तो गाइस इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, हाँ इतनी अच्छी नहीं है जितना बताते हैं लोग, मतलब ठीक ठाक है। इसको ऐसे रखें तो ये देखो गाइस ऐसे खड़ी हो जाती है, और हम इसमें जल्दी से सेटअप भी कर लेते हैं इसकी और फिर वीडियो कैसी बनती है इससे और कितना वाइड होता है सब कुछ चेक करेंगे। तो इस तरह लग जाती है एक फ़ोन होल्डर, यहाँ तक लग गई है और इसमें फ़ोन अटैच हो जाएगा होल्डर में। और एक नीचे ये दे रखा है पुश करने के लिए, अगर इसको दबाओगे तो ऐसे ये स्लाइड होके निकल जाता है बाहर ये पुश करने से। हाँ तो गाइस ये पीछे एक ये दे रखा है आपको टाइट करने के लिए, देखो जैसे हमें यहाँ पे रोकना है ना ऐसे रोक के, और इसको आपको स्क्रू से मतलब पेचकस से इसको टाइट करना पड़ेगा नीचे से। अब हो गया गाइस, और इसके बाद लग भी जाता है, ये लग गया। और अब हमने जो सही तरीके से इसको लगाया था अब ये सेटअप हो गया। अब हम इसमें फ़ोन लगा के देखते हैं, फ़ोन मेरा और ऐसे लग जाती है, यहाँ से ऐसे टेढ़ा करना है तो ऐसे कर सकते, देखो। वैस अब हम चेक करेंगे इस ब्लूटूथ को और चेक करके देखेंगे कि कितना दूर तक ये काम करती है, ब्लॉग या वीडियो बनाने में हेल्प करेगा ये। तो वैस चलते हैं, तो मैं ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से ऑन बटन है तो यहाँ पे ऑन किया और इसमें लाइट जल गई है। और अब फ़ोन खोलते हैं, तो गाइस फ़ोन खोल लिया और ब्लूटूथ पे गया और ब्लूटूथ ऑन किया, न्यू डिवाइस सर्च करते हैं। तो गाइस ये देखो AV Shutter 3 नाम का आया इसका नाम, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट हो गई है। तो गाइस अब हम चेक करते हैं कितना काम करती है ये वाली रिमोट, और अब मैं दूर जाता हूँ, एक पहली बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ एक बार। गाइस फोटो खींच गई है, अब मैं दूर जाके खींचता हूँ, कितना दूर पे खींचता हूँ
काम कर रही है और अब यहाँ पे आ गया। हम यहाँ से चेक करते काम करती है नहीं करती है, ऐसे यहाँ से भी काम करती है और अब मैं यहाँ से लास्ट तक आ गया हूँ। यहाँ से चेक करते यहाँ से भी काम कर रही है, तो ये गाय सही काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। अब मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो हम बनाते हैं तो वीडियो के लिए सही रहेगा, वीडियो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से ऑन करता हूँ, काम कर रही है गाइस, देखो वीडियो बनना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे आके बंद करता हूँ, बंद हुआ, अब मैं यहाँ पे आके चालू करता हूँ वीडियो। गाइस काम कर रही है ये रिमोट, काफ़ी सही है। तो गाइस ये रिमोट काफ़ी सही है और जैसे मैं बंद चालू कर रहा हूँ काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। चेक करके आ गया मैं गाइस, सही में बिल्कुल सही काम करती है। और ये जो अकेला वीडियो शूट करते हैं और कोई नहीं होता है उनका कैमरामैन, तो उनके लिए काफ़ी सही है और आप अपने हिसाब से बंद चालू कर सकते हो और मस्त है ये चीज़। तो गाइस अब हम चेक करने वाले हैं इस गोरिल्ला ट्राइपॉड को, इसमें चेक करेंगे कि भाई इसको यूज करने से क्या हमारी ब्लॉग स्टेबल वीडियो शूट कर पाएगी। और हाँ एक चीज़ वो चेक करेंगे कि कितना हमें वाइड एंगल मिलेगा पीछे इसको यूज करने से, दोनों चीज़ चेक करते हैं और बताता हूँ आप लोगों को लास्ट में इसको यूज करना सही रहेगा। तो गाइस अभी मैं हाथ से ब्लॉग बना रहा हूँ और पीछे दिख रहा होगा इतना वाइड हो रहा है और गोरिल्ला ट्राइपॉड नहीं लगा रखा हूँ। और अब मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड लगा के चेक करता हूँ कितना वाइड हो जा रहा है। गोरिल्ला ट्राइपॉड लगा लिया हूँ और देखो गाइस इतना वाइड हो गया है। हाँ तो वाइड तो हो जा रही है, जो आपको दिख रहा होगा पीछे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन नॉर्मली हाथ से यूज करता हूँ ना जब हाथ में फ़ोन लेता हूँ तो इतना वाइड होता है। हाँ इतना सीधा कर दूँ तो इतना तो कोई मेरा हाथ ही दर्द हो जाएगा। और गोरिल्ला ट्राइपॉड इतना अगर इतना भी पकड़ते हैं ना तो हाथ दर्द नहीं करेगा और वाइड थोड़ा सा पीछे दिख जाती है, ये तो फ़ायदा है। तो गाइस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो खंबा है ना बिजली वाला वो दिख रहा होगा गाइस, वो वहाँ तक जाने वाला हूँ ट्राइपॉड को लेके और फिर उधर से आऊँगा फ़ोन को हाथ में लेके। तो दोनों ट्राई करते हैं कि कितना स्टेबल रहेगा हाथ में लेकर और कितना वीडियो रहेगा गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज करने के बाद। तो अभी गोरिल्ला ट्राइपॉड लेके जा रहा हूँ मैं और चेक करते हैं कितना स्टेबल वीडियो रहता है। तो गाइस ये जो अभी मैं आया था वो गोरिल्ला ट्राइपॉड को लेके आया था और अब मैं अपने हाथ में फ़ोन लेके जा रहा हूँ, अब चेक करते कितना स्टेबल वीडियो रहता है। तो ये मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं चल रहा हूँ। मेरे को तो अभी फ़र्क नहीं दिख रहा है, एडिटिंग करते वक्त दिखेगा लेकिन आप लोगों को अभी दिख गया होगा फ़र्क। तो गाइस अब मैंने चेक कर लिया कि इसको यूज करने से कितना ब्लॉग आपकी स्टेबल रहेगी। तो गाइस कोई ख़ास स्टेबल नहीं है, थोड़ी बहुत होगी लेकिन कोई ख़ास स्टेबल ब्लॉग नहीं होने वाली। लेकिन इसका भी एक अपना अलग फ़ायदा है जिसके मतलब आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो इसको। फ़ोन यहाँ पे ऐसे रख के बात कर सकते हो, किसी से टैग वीडियो बना सकते हो, यहाँ टेबल पे रख के बात कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, बहुत फ़ायदे हैं। हाँ उसके लिए सही रहेगा, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो आप ये वाला मत लेना, इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। मैं तो फ़ोन यूज करूँगा तो चल जाएगी, लेकिन कैमरा यूज करोगे तो उसके लिए नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। आप यहाँ पे मैं एक ट्राइपॉड का फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये वाला ले लेना, ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है, इससे तो अच्छी है, तो ये वाला ले लेना। मैंने तो ले लिया, अब रिटर्न भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी रिव्यू आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसे कभी कभी बीच में प्रमोट भी कर लेना चाहिए अपना चैनल मज़ा आता है। तो हाँ आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।